सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू पीएसएबी एजुकेटर्स। एक मिनट बस माइक लगा लूँ, स्टार्ट करता हूँ। ठीक, चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या स्टार्ट करेंगे? अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। एक मिनट, तो दो चैप्टर फिजिकल में कंप्लीट हो चुके हैं और ये हमारा तीसरा चैप्टर होगा, और दो ऑर्गेनिक में कंप्लीट हुआ है। तो इसके बाद से मैं बता रहा था कि मोस्ट प्रोबेबली कल से आपको दो वीडियोस मिले, एक फिजिक्स की और एक केमिस्ट्री की। दो वीडियोस मिलेगी कल से। ठीक, तो आज भर काम चला लो एक वीडियो से, कल से दो वीडियो आ जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बता दूं कि बिहार बोर्ड की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, हर साल क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, ऑब्जेक्टिव में तो भरे ही रहते हैं। ठीक, प्लस ही प्लस 2 नंबर के मार्क्स में आते हैं और 5 नंबर के मार्क्स में आते हैं। ओके, तो ये आप समझ सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। और एक बात और है कि लेंदी चैप्टर तो है, बट अगर सही से पढ़ोगे, जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करोगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, और आज का फर्स्ट लेक्चर है हमारा, स्टार्ट करते हैं। चलिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बताओ, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जहाँ पे हम इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं, जिसमें हम केमिकल एनर्जी को ले जाते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ले जाते हैं केमिकल एनर्जी में। तो अब मैं अगर यहाँ लिखता हूँ, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। ठीक, इन विच वी स्टडी अबाउट इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी। ठीक, तो बेसिक था, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो बता दिया जाए। तो बेसिकली ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है जहाँ पे हम इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी पढ़ते हैं। इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में हम ले जाएंगे। ओके, और बस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अगर पार्ट करोगे तो इलेक्ट्रो मतलब वही होता है इलेक्ट्रिकल, और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिस्ट्री। तो ये थी बेसिक डिफिनेशन अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब हम आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले देखा जाए कि हमको दो टाइप ऑफ सेल्स पढ़ने हैं। ठीक, एक पढ़ना है हमको गैल्वेनिक सेल और दूसरा पढ़ना है हमको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दो सेल्स हम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, पहला गैल्वेनिक सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो भैया दोनों होते क्या हैं? तो सीधा सा बात याद रखो कि इसमें जिसमें दो बर्तन हो, सीधे ऐसे याद रखना कि जिसमें दो बर्तन हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैल्वेनिक सेल। जिसमें एक बर्तन हो, जो पूरा प्रोसेस होता है वो एक बर्तन के अंदर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। बर्तन जानते हो ना, कुछ भी मान लो यार, लोटा जो भी है, लोटा मग्गा जो भी मान लो उसको मान लो। तो बेसिक डिफरेंसेस क्या है? ठीक, तो बेसिक डिफरेंसेस में है कि इसका जो प्रोसेस होता है वो होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जो इस डिफरेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी डिफरेंस काफी इजी है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि जो खुद ब खुद रिएक्शन हो। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जिसमें एक्सटर्नल अप्लाइंसेस इन्वॉल्व हो, इसको एक्सटर्नल सहायता की आवश्यकता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, जिसमें एक्सटर्नल किसी चीज की जरूरत होती है। देखो यार,
स्टूडेंट्स होते हैं, एक स्टूडेंट वो रहता है जो खुद ब खुद किताब निकाल के पढ़ता है, तो वो मान लो गैल्वेनिक सेल है, खुद ब खुद रिएक्शन करवा लेता भैया, बहुत अच्छा। एक वो स्टूडेंट होते हैं जिनको थोड़ा सा सहायता मारपीट की जरूरत पड़ती है टीचर्स द्वारा, पेरेंट्स द्वारा, तब वो पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी वही है कि इसमें हम एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये मेन था, बाकी आप समझ जाओगे। ये बेसिकली क्या करता है, केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले जाता है। ये भाई सब हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी ले जाते हैं। बताओ दोनों डिफरेंसेस आपको क्लियर। चलिए अब बात आती है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक तो एक होता है एनोड और कैथोड। तो बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड निगेटिव होता है, बट इन इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री वी विल यू विल फाइंड आउट दैट दिस इज नॉट ट्रूथ। एनोड बचपन से क्या पढ़ा था कि एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है और कैथोड हमारा निगेटिव होता है, बट ये कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है बताने का, ये कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है बताने का। क्यों नहीं है? बिकॉज इन द केस ऑफ गैल्वेनिक सेल हमारा जो एनोड है वो क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, ठीक, और कैथोड जो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। समझ गए? अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में ले जाते हैं और इसका एनोड पॉजिटिव हो जाता है और इसका कैथोड निगेटिव हो जाता है। ओके, तो दीज आर द प्राइम डिफरेंसेस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, पहला लेक्चर है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि थोड़ा बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेंगे हम लोग अपनी, तो आगे के चैप्टर्स में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। आज का लेक्चर जो मिस करेगा आगे वाले में लेक्चर में वो फंसता रहेगा। बेसिकली तीन लेक्चर में हम समाप्त कर देंगे अपना इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, काफ़ी टाइम है हमारे पास, ठीक, और साथ ही साथ मैंने आपको बोल दिया कि फिजिक्स के लेक्चर आते रहेंगे, तो कोई टेंशन की बात है नहीं। यहाँ पे क्या है, डज नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स, ठीक, रिक्वायर एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स, ठीक। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक। अगर एग्जाम्पल की बात कर लोगे तो एग्जाम्पल भी तो जानना जरूरी है। तो इसका जो डैनियल सेल है या ड्राई सेल इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल, और इसका अगर एग्जाम्पल तुम लेते हो तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्या लिख लोगे, इलेक्ट्रो प्लेटिंग। ओके, तो दीज आर ऑल अबाउट द डिफरेंसेस, और आगे बढ़ते हैं। चलिए गैल्वेनिक सेल को हमको पूरा डीप में पढ़ना है, तो चलिए इसकी बातें की जाए। गैल्वेनिक सेल हमारा है क्या, कहाँ रहता है, क्या काम करता है, सब पढ़ लिया जाए। तो सेटअप की बात किया जाए, सेटअप की बात करेंगे हम, वर्किंग प्रिंसिपल की बात करेंगे, ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे, साल्ट ब्रिज की बात करेंगे और आईयूपी रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। तो दीज आर द प्राइम टॉपिक्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका लिंक टेलीग्राम चैनल पे है अवेलेबल, तो वहां से पढ़ ले लेना, ठीक। तो पहले हम सेटअप की बात करते हैं। तो सेटअप हमारा काफी अच्छा है, दो बर्तन, मैं इसको बर्तन ही बोलता हूँ, मजा आता है बोलने में बर्तन, सही में इसको बीकर बोला जाता है, ठीक। तो दो बर्तन हम इसमें लगाते हैं, ठीक। यहाँ पे लेते हैं इलेक्ट्रोड लगाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कैथोड। और आपको पता होगा कि LON एक लोन फॉर्मूला होता है, लोन से आप याद रख सकते हो कि किस पे क्या होगा, इन द केस ऑफ वेयर, इन द केस ऑफ गैल्वेनिक सेल, एल मतलब होता है लेफ्ट, ओके, ये मेरा शॉर्ट फॉर्म है, ठीक, और लेफ्ट पे होगा ऑक्सीडेशन, ठीक, और ये कहलाएगा अनोड, ठीक, जो कि होगा निगेटिव, एन फॉर निगेटिव, एन फॉर निगेटिव। तो ऐसे याद रख सकते हो, पता व्हाट इज इलेक्ट्रो डैनियल सेल। ओके, तो सीधे याद रख लेना कि डैनियल सेल जब भी आएगा उसको लोन याद रख लेना, ठीक। तो लोन मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है ना आपका वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और यहाँ पे आपका क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब जैसे यहाँ पे जिंक है, ठीक, तो होगा क्या बेसिकली कि जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है कि Zn जो है वो बेसिकली अपना दो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, Zn+2, ठीक, अपना दो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, और ये
जो कॉपर है इसमें आपको पता होगा कॉपर मौजूद रहता है, वो कॉपर जो है वो दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब स्टेबल हो जाएगा, चार्जलेस हो जाएगा। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस होगा। ठीक, इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन ये छोड़ेगा तो जिंक का +2 इसमें चला जाएगा। ठीक, और दो इलेक्ट्रॉन जो छोड़ा वो इसके थ्रू इसमें जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है एनोड टू कैथोड, अगर हमारा जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको पता है जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कि इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैथोड टू एनोड, क्या हो जाएगा, कैथोड टू एनोड। बताइए कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, इस दिन एनी प्रॉब्लम। अब इसमें एक आता है साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज को तो हमने आपको बताया कि काफी डीप में पढ़ेंगे। साल्ट ब्रिज को, ये हमारा वोल्ट मीटर है, यहाँ से जो पोटेंशियल पास होगा उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, और कोई दिक्कत, और कुछ तो इसमें है नहीं। ठीक, तो चलिए हमारा जो पहला पार्ट जो था सेटअप वो हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं वर्किंग प्रिंसिपल में। वर्किंग प्रिंसिपल में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया है, उसको और थोड़ा डीप में देख लो कि वर्किंग प्रिंसिपल कैसे वर्क होगा। तो वर्किंग प्रिंसिपल कि इसका चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, कि देखो वहां पे क्या होगा, एट एनोड एग्जाम में पूछ सकता है। वर्किंग प्रिंसिपल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आपको याद रखने की जरूरत है LOAN, लोन। L मतलब लेफ्ट साइड, O साइड ऑक्सी, O मतलब ऑक्सीडेशन, A मतलब एनोड, N मतलब निगेटिव। तो यहाँ पे होगा लेफ्ट साइड जो एनोड है वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जो हमारा जिंक है वो अपने दो इलेक्ट्रॉन्स प्यार से छोड़ देगा। ठीक, कॉपर जो है हमारा, और यहाँ पे लिखोगे एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड जो अपना है बहुत प्यारे भैया हमारे कैथोड भैया, वहां पे वो क्या करेंगे कि कॉपर को बुलवाएंगे, कॉपर उसमें तो प्रेजेंट था। ठीक, एक में आपको क्या, एक में पता ना आपको, एक में आप जिंक सल्फेट रखते हैं और दूसरे में हम कॉपर सल्फेट रखते हैं, ये बात बताने वाली तो होगी नहीं, है मतलब है, सॉरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक, आगे तो काफी डीप में पढ़ना है। ठीक, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक, तो नेट रिएक्शन की अगर हम बात करें, नेट रिएक्शन की जो बात करें वो क्या हो जाएगा, Zn प्लस Cu प्लस 2। ठीक, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। 1 मिनट, मैं मोबाइल इज रिंगिंग। ओके, तो इससे ये कट जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, Zn+2+कॉपर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नेट सेल रिएक्शन, जो एग्जाम में काफी पूछता है, नेट सेल रिएक्शन। ओके, तो ये था हमारा वर्किंग प्रिंसिपल। चलिए, दो चीजें हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक, वर्किंग प्रिंसिपल और सेटअप और ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि यहीं पे मैं आपको सब समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ से जो दो दो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो कुछ समय बाद ये पतला हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये एकदम फूल के एकदम फूल जाएगा, ऐसे एकदम फूल जाएगा, है ना, काफी पैसा आ गया हो। ठीक, तो ये एकदम फूल जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में हम क्या लिखते हैं, ऑब्जर्वेशन में अगर हम लिखते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या लिखेंगे हम, ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे कि मास ऑफ एनोड विल डिक्रीज एंड मास ऑफ कैथोड भैया का जो मास है वो हो जाएगा इंक्रीज। ठीक, तो दीज आर द ऑब्जर्वेशन। क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूअसली यहां से वहां जा रहा है। ठीक,
एनोड से कैथोड पे जा रहा है। अब तुम ही बताओ ना यार, तुम्हारी जो मान लो कि तुम्हारा जो तुम जिस पे पढ़ रहे हो, तुम्हारी कॉपी है, तो कॉपी में क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? अरे चलो पेन से समझ लो, इसमें क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? इसके मतलब 10,000 इलेक्ट्रॉन, 10,000 इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है। तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा, तो उसके मास पे तो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा ना, इसका मास कम होते जाएगा दिन पे दिन। तो एक समय ये आएगा कि जब ये क्या होगा, खत्म ही हो जाएगा। ठीक, तो खत्म ही जब हो जाएगा, तो बैटरी जो हम खरीदते हैं, हम बोलते हैं कि बैटरी खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है, जो कि बैटरी भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, गैल्वेनिक सेल का एक एग्जाम्पल है। तो बैटरी खत्म का करने का क्या मतलब कि जो अपना पूरा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर चुका है, लूज कर चुका है। ठीक, तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन वी आर टॉकिंग अबाउट। तो आज काफी बेसिक है, काफी बेसिक मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, अब एक बात बताओ, साल्ट ब्रिज, चलो साल्ट ब्रिज पे चर्चा ही करते हैं, लंबा चर्चा करेंगे साल्ट ब्रिज पे। तो साल्ट ब्रिज के बारे में क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज साल्ट ब्रिज? ठीक, तो पहले मैं बता देता हूँ कि मान लो आपके पास ये सर्किट है, ये ऐसे सर्किट, ठीक सर्किट है। अब बताओ यहाँ पे फ्लो ऑफ करंट होगा, पूरा अपने बचपन की नॉलेज लगा दो, फ्लो ऑफ करंट होगा, बचपन की नॉलेज इन द सेंस कि जो थर्ड चैप्टर आप फिजिक्स में पढ़ते हो, फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके पाथ लगाओ, क्या होगा फ्लो ऑफ करंट? जी बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज ये जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही बात है कि आप देख सकते हो कि ये जो दोनों दोनों हमारा जो लिक्विड है, दोनों सॉल्यूशन जो है, उसके बीच में सर्किट पूरा नहीं है। तो साल्ट ब्रिज बेसिकली क्या करता है, उसका तो फंक्शन काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, वो उसकी बात हम चर्चा आगे करेंगे, बट अभी के लिए समझो कि ये जो दोनों के बीच में एक किसका काम करता है, सर्किट कंप्लीट करने का काम करता है। ठीक, चलिए अब पूछ देगा एग्जाम्पल में कि व्हाट इज साल्ट ब्रिज। ठीक, तो बोल देना कि इन्वर्टेड यू शेप्ड जेल होता है। ठीक, ये बेसिकली हमारा इस तरह का दिखता है, इन्वर्टेड यू शेप। इन्वर्टेड यू शेप कहने का मतलब है कि यू कैसा होता है, ऐसे होता है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, उल्टा यू शेप रहता है, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। जेली मतलब समझ लो जो टूथपेस्ट जो मतलब यूज करते हो उस टाइप का मटेरियल होता है। ठीक, ना ही वो लिक्विड होता है, ना ही वो सॉलिड रहता है, वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, और ये जो है ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कॉन्टेंट करता है। आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो गेट आयोनाइज इजली, कोई नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ो तो अभी सुन लो, गेट आयोनाइज इजली, जो कि आयोनाइज इजली हो जाए। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। अब एक बात और कि इसके एग्जांपल देख लिया जाए, इसको अभी मतलब समझाऊंगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने क्यों जरूरी है। ओके, अच्छा आयोनाइज को मतलब जानते हो कि ये भी नहीं जानते हो आयोनाइज मतलब जिसपे चार्ज जल्दी आ जाए, ठीक, वो आयोनाइज हो जाए। ठीक, प्लस या माइनस जो भी है, अपनी एलिमेंट्री स्टेट से बाहर चला जाए। ओके, एग्जाम्पल जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है KCl, ही जानो, काफी इंपॉर्टेंट, ज्यादा नहीं जानो। ठीक, वैसे KNO3 भी होता है इसका एग्जाम्पल, KCl से हम अपना काम देख लेंगे। ओके, चलिए, फंक्शन पहले ही कंप्लीट सर्किट, अभी मैंने आपको बता दिया कि सर्किट को करता है कंप्लीट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी? बजाओ, बताओ बच्चा पट्टी, बताओ बताओ क्या होगा इसका मतलब। देखो, अगर हम डैनियल सेल की बात करें, डैनियल सेल की बात जो हम कर रहे थे, ओके, डैनियल सेल ऐसा था। ठीक, इसमें एक इलेक्ट्रोड था, देखो सबसे आज के लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, अगर ये समझ लेते हो आगे कुछ कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। अगर ये स्किप करोगे काफी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए पहले चेतावनी 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 जो भी अलर्ट होता है, अलर्ट कर दिया मैंने। ओके,
यहाँ पे लगा रहता है हमारा, क्या लगा रहता है बताओ, कोई मीटर वीटर पढ़ के आए हो कि नहीं? एक उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में गैलोनोमीटर का नाम सुना कि नहीं? ये हमारा रहता है साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज हमारा भरा रहता है अगर अगर जेली से, अगर अगर जेली से भरा रहता है। अब आपको पता है एक बात कि यहाँ पे जिंक रहता है, जिंक सल्फेट रहता है, और यहाँ पे क्या रहता है, कॉपर सल्फेट रहता है। तो जिंक सल्फेट जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है बताओ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई कुछ अजूबा बोल दिया क्या? नहीं ना बोला। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जेड एन प्लस टू प्लस दो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा वो कॉपर हमारा, काफी एक्साइटेड वो दो इलेक्ट्रॉन को लेगा अपने पास और हो जाएगा स्टेबलाइज। ठीक, देखो जिंक सल्फेट में से जब जिंक चला गया तो सॉरी मतलब दो इलेक्ट्रॉन चले गए तो जेड एन प्लस टू तो यहीं पर आ गया ना, जेड एन प्लस टू तो यहीं पर आ गया, जेड एन प्लस टू यहीं पर आ गया। अब यहां बात करो, यहां पे कॉपर इसमें चला गया, अरे कॉपर दो इलेक्ट्रॉन के साथ इसमें चला गया ना, तो यहाँ पे एसओ फोर माइनस रह गया। तो सर एक बात यहां से कंक्लूड की जा सकती है कि यहां से बार बार दो दो इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे तो उतना ही जेड एन प्लस टू भी इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होते 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 यहाँ पे एकदम पॉजिटिव चार्ज का अंबार लग जाएगा। अंबार इन द सेंस क्या बोलूं, अंबार को क्या बोलते होंगे, मतलब काफी यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे प्लस चार्ज, और यहाँ पे भी एसओ फोर बचा रहा अकेला रह जा रहा है तो यहाँ पे माइनस चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे साल्ट ब्रिज क्या काम करता है, जो केसीएल रहता है वो इजिली आयोनाइज होता है, मतलब कि केसीएल जो रहेगा, केसीएल वो आराम से के प्लस और सीएल माइनस में टूट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो आयोनाइज होने के बाद से क्लोरीन इसमें आ जाएगा, क्लोरीन टूट के इसमें आ जाएगा, क्लोरीन टूट के इसमें आ जाएगा, तो जेड एन प्लस टू के साथ क्लोरीन आ जाएगा माइनस चार्ज के साथ, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो दोनों मिलकर क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एसओ फोर माइनस है और एसओ फोर माइनस के साथ क्या आ जाएगा बताओ, एसओ फोर माइनस के यहाँ पे प्लस साइन लिखना गलत होगा, यहाँ पे प्लस साइन नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे साथ में आ रहा है ना, तो एसओ फोर माइनस जो है वो किसके साथ आ जाएगा, के प्लस के साथ आ जाएगा, तो यहाँ पे भी न्यूट्रलिटी बरकरार हो जाएगी। तो इसीलिए न्यूट्रलिटी बरकरार रखने के लिए हमारा जो है साल्ट ब्रिज का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। थर्ड, प्रिवेंट लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। देखो यार यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, फिर आपको मैं वही बोलूंगा कि आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी आती है कि नहीं आती, उसका भी परिचय हो जाएगा। बताओ एक सवाल पूछता हूँ, यहाँ पे दो बैटरीज लगी हुई है, ओके दो बैटरी लगी हुई है, तो यहाँ पे मान लो 8 वोल्ट की बैटरी है, दो 2 वोल्ट की बैटरी, ठीक, तो यहाँ पे जो नेट पोटेंशियल कितना होगा, नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, नेट पोटेंशियल हो जाएगा 6, मतलब कि जो ये 10 पोटेंशियल जो साथ में कर सकता था वो अलग अलग होके कर रहा है। ठीक, 8 पोटेंशियल इसका होगा, 8 पोटेंशियल इसका होगा, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें हमारा क्या होगा, घाटा हो जा रहा है। अरे कोई एक आदमी मिल करके 10 काम कर रहा था, ठीक, अब दो आदमी मिल करके, एक आदमी आके 8 काम कर रहा है, दूसरा आदमी आके 2 काम कर रहा है, तो उस 10 वाले को कुछ फायदा हुआ है नहीं, तो उसी लिए जो पोटेंशियल दोनों का में कोई डिस्टरबेंस नहीं आया, इसीलिए क्या होता है, जो दोनों लिक्विड होती है, यहाँ पे हमारा जो लिक्विड है, यहाँ पे ये लिक्विड है और यहाँ पे ये लिक्विड है, दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है वो क्या करता है, बराबर कर देता है, क्या कर देता है, प्रिवेंट लिक्विड लिक्विड जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को क्या करता है, वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ओके, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर अबाउट साल्ट ब्रिज एंड इलेक्ट्रोकेमिकल। अच्छा तो एक चीज और, यहाँ पे आईओपीसी रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे कि आईओपीसी रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, फिर हम चलते हैं अपने पॉइंट्स पे, पॉइंट्स को हम रखेंगे अपने हाथ में कि पॉइंट्स से कुछ भटका नहीं जाए। ठीक, तो आईओपीसी रिप्रेजेंटेशन बचा हुआ है,
अच्छा, एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो मैंने छोड़ दी है शायद, तो इलेक्ट्रो केमिकल सेल क्या होता है? तो इसको लिख लेना, इट इज अ डिवाइस विच हेल्प्स टू चेंज द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लिख लेना ठीक, पॉज करके लिख लेना या लिख दो, चलो लिख ही देता हूँ। डिवाइस यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही के दो पार्ट होते हैं, एक गैल्वेनिक सेल होता है और हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। चलिए, तो ये बता दिया, काफी इंपॉर्टेंट बेसिक बात थी। चलिए आगे चलते हैं, आज की क्लास काफी बेसिक है, काफी बेसिक है। कल से लेक्चर स्लोप जो है कल से लेक्चर का वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आईयूपीएससी रिप्रेजेंटेशन। आईयूपीएससी रिप्रेजेंटेशन, तो आईयूपीएससी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इसका देख लेना, कि जो ऑक्सीडेशन जो होता है, ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, कॉप जिंक जो हमारा था वो Zn से Zn+2 में गया, Zn+2 में गया, और जो कॉपर है हमारा वो क्या हुआ, Cu+ से Cu2+ से किस में गया, Cu में गया। ठीक, तो हम रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। ये क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चंस काफी आते हैं। ठीक, कभी आपको ये दे देगा, बोला जाए कि नेट सेल रिएक्शन निकालने के लिए, वो आ सकता है। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहले हम लिखते हैं ऑक्सीडाइज, लेफ्ट साइड में जो ऑक्सीडेशन होता है उसको हम पहले लिखते हैं जिंक, लिखेंगे जिंक। जिंक किस में गया, एक मिनट में चेंज कर लेता हूँ। तो जिंक किस में गया, तो उसको Zn+2 में गया। ठीक, बीच में लगाते हैं साल्ट ब्रिज, ये क्या होता है साल्ट ब्रिज, इसको हम क्या बोलते हैं साल्ट ब्रिज। ठीक, और Cu+2 कॉपर जो किस में गया, Cu में गया। अब ये जो लाइन देख रहे हो ना बाबू लोग, ये लोग जो लाइन देख रहे हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं फेज लाइन या फेज स्टेट, जो फेज लाइन बोलते हैं, जो बेसिकली क्या होता है कि चेंज इन स्टेट, इसको क्या होता है चेंज इन स्टेट को क्या करता है, शो करता है। ओके, और यहाँ पे वो भी लिख दिया जाता है, अगर मान लो यहाँ पे Zn जो है वो किस में क्या था, सॉलिड था, इसको सॉलिड में लिख देंगे। Zn+2 किस में था, एक्वस में था, अरे पानी में घुला हुआ था ना, तो एक्वस में था। ये भी हमारे केस में था एक्वस में था, और ये हमारे केस में था सॉलिड में। तो साइड में छोटू ब्रैकेट में हम क्या लिख देते हैं, उसका उसका स्टेट। तो ये बात हो गई, तो हमने क्या देखा कि आईयूपीएससी रिप्रेजेंटेशन देख लिया। ठीक, आईयूपीएससी, ये मतलब कि हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, हमने कंप्लीट कर लिया आपको व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक, दो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस देख लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और इसमें गैल्वेनिक सेल का, हमने पूरा रिप्रेजेंट पूरा सेटअप देख लिया, A to Z सब कुछ। ठीक, आईओपीसी ने भी देख ली। तो आज इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, आज बेसिक था। ठीक, आज बासित का बेसिक लेक्चर था। ठीक, तो आज बेसिक लेक्चर था, इतना ही रहने देते हैं, इसको रिवाइज कर लेना, कल इस पर हम और बात करेंगे। ओके, और कल से मोस्ट प्रोबेबली आपके दो लेक्चर्स आएंगे, एक फिजिक्स के रहेंगे, एक केमिस्ट्री के रहेंगे, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो भी मैंने पढ़ाया है वो नोट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक, और इसके बाद से क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कर लेंगे, चैप्टर जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद से। तो 3 लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आएंगे, आज कल परसों, 3 लेक्चर आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। ठीक, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हो सके मैं एक और ऐड कर लूँ। ठीक है, तो प्लीज़ यार अपने दोस्तों के साथ BSEB एजुकेटर्स को सब्सक्राइब करवाओ और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार मेरे। ठीक, चलिए, तो ओके बाय, और ठंडक बढ़ रही है तो ध्यान रखना, बीमार ना पड़ जाना, 1 महीना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 8:12 हो गए, तो आपको 20 मिनट पर लेक्चर भी मिल जाएगा। चलिए चलिए, ओके बाय।